साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशजदगी के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पताल का दौरा किया है। चार डॉक्टर्स को मौतल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशजदगी का वाक़ पेश आया था चाइल्ड वार्ड में, जहाँ पर बच्चों के जहाँ भाग होने के वाक़ात फिर नजर आए थे और आज भी वाक़ नजर आया है, जिसमें मजीद दो बच्चे दम तोड़ चुके हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशजदगी के वाक़े के मजीद दो बच्चे आज दम तोड़ चुके हैं और अब तक तादाद जो है वो बच्चों की 13 हो चुकी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशजदगी के इस वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा किया है अस्पताल का और चार डॉक्टर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है, जबकि पुलिस चारों डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके ले गई है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वाक़ पेश आया था आतिशजदगी का चाइल्ड वार्ड में, जहां पर बच्चों के जहां भाग होने की इतलात मौसूल हुई थी और फिर अब तक की इतलात है कि 13 बच्चे जो हैं वो इस हादसे में जहां भाग हो चुके हैं। दो आज मजीद बच्चे दम तोड़ चुके हैं और आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पताल का दौरा किया है और चार डॉक्टर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके ले गई है, मगर गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है। ये मनाजर आप देख सकते हैं जहाँ पर यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद है और उन तमाम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल के बाहर भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है और जो गिरफ्तारी के अहकाम दिए गए थे वज़ीर-ए-आला की जानिब से, दोनों डॉक्टर्स को, चारों डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने के, पुलिस उनको गिरफ्तार करके वहां से ले जा चुकी है। गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है और इस एहतजाज के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई है और इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर और अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानिब से। साहिवाल टीचिंग अस्पताल है जहां पर आतिशजदगी का वाक़ पेश आया था चाइल्ड वार्ड के अंदर और उसमें अब तक 13 बच्चे जाबाक हो चुके हैं। आज मजीद दो बच्चों ने दम तोड़ दिया है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने आज अस्पताल का दौरा किया है और वहाँ का जायजा लिया है कि क्या सूरत हाल वहाँ पर। उसके बाद चार डॉक्टर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और इस हुक्म पर गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने चार डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये सख्त इकदाम वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से लिया गया है। इस सख्त अहकाम और सख्त इकदाम के हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पर अब अस्पताल का दौरा किया है और वहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश की है और चार डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ये सख्त एक्शन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से लिया गया है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशजदगी का वाक़ पेश आया था और इस वाक़े के अंदर अब तक 13 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए चारों डॉक्टर्स को वहीं मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और अब पुलिस एहलकार उन चारों डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा चुकी है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जानेब एहतजाज किया है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और यंग डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई है और उन तमाम लोगों को कंट्रोल करने की पुलिस ने कोशिश भी की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आज साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया है और जिस वार्ड में आतिशजदगी का वाक़ पेश आया था उस वार्ड का भी दौरा किया है और तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सख्त एक्शन उनकी जानिब से लिया गया है। चारों डॉक्टर्स को गफलत की लापरवाही करते हुए जो उनके अहकाम थे, जो उनके इकदाम थे, उसको देखते हुए उन्होंने फौरी तौर पर चार डॉक्टर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और गिरफ्तारी के अहकाम मिलते ही फौरी तौर पर चारों डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके वहाँ से ले गई है और यंग डॉक्टर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं।